हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जायका लाजवाब। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग सैंडविचेस, जिसको हम सर्व करेंगे कोल्सलॉ और फ्रेंच फ्राइज के साथ। सबसे पहले इसमें हम एक चिकन तैयार करेंगे, उसकी मैरिनेशन है, और फिर हम उसको रोस्ट करके हल्का सा चॉप राइस कर लेंगे। और इसके अलावा हमने इसमें दो अंडों की ऑमलेट बनानी है। तो चलते हैं अपने चिकन की मैरिनेशन की तरफ। चिकन को मैरिनेट करेंगे हम 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून वर्सेस्टरशायर सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर और 1 टेबलस्पून केचप। अलावा हम इसमें डालेंगे, हमने डाल दिया है 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसको 1 टेबलस्पून ऑयल में रोस्ट कर लेंगे। ऑमलेट के लिए जो है हमने 3 अंडे लिए हैं और उसको हमने थोड़ा सा बीट कर लिया है। इसमें हमने 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट और 1/4 टीस्पून ही क्रश रेड चिलीज जो है हम यूज़ करेंगे। और अब हम इसको भी पैन फ्राई कर लेंगे। ये हमने 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल दिया है और अब हम इसमें ये चिकन अलॉन्ग विद इट्स मैरिनेशन जो है ये डाल देंगे और इसको हम कवर करेंगे और कुक करेंगे इसको अराउंड 5 to 8 मिनट्स, जब तक कि ये गल ना जाए और इसका मसाला जो है वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। अब हम इसमें जो है वो ऑमलेट बना लेंगे। सिंपल प्लेन ऑमलेट है ये हमारा ऑमलेट जो है ये तैयार है और ये आपको फ्री इससे मैंने ऑमलेट्स बनाए। ये चिकन जो है ये देखें हमारा तैयार है। अब हम इसको एक प्लेट पे निकाल लेंगे, हल्का सा ठंडा करने के बाद हम इसको चॉपराइज करेंगे और चॉपर में डालने के बाद हम दोबारा इसको इसी फ्राइंग पैन में कोट करेंगे ताकि इसका जितना मसाला है वो इस चिकन पर लग जाए। ये देखिए ये चिकन जो है इस तरह हमने इसको तैयार कर लिया है। अब हम आपको सैंडविचेस की फाइनल प्रेजेंटेशन के किस तरह वो बनेंगे वो दिखाएंगे और साथ में आपको कोल्सलॉ की रेसिपी भी देंगे। कोल्सलॉ के लिए हमने यहाँ पर बारीक कटी बंद गोभी और गाजर जो है ये ले ली है। इसके लिए हमें चाहिए मेयोनीज 4 to 5 टेबलस्पून्स। इसमें हम थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालेंगे और तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑफ कैस्टर शुगर, यानी कि बारीक पिसी हुई चीनी। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कोल्सलॉ जो है ये हमारा रेडी है। अब हम सैंडविच की असेंबलिंग के ऊपर आते हैं। एक सैंडविच के लिए हमें तकरीबन 3 ब्रेड स्लाइसेस चाहिए होंगे और इन तीनों के ऊपर हमने मेयोनीज लगाने हैं। इसमें अब हम ये चिकन की फिलिंग डालेंगे। अब हम इसके ऊपर ये चीज़ स्लाइस रखेंगे, इसके बाद ये सेकंड स्लाइस और इसके ऊपर भी हम मेयोनीज लगा लेंगे। ये अब हमने इस पे देखे मेयोनीज लगा ली और अब हम इसके ऊपर ये ऑमलेट लगा देंगे और इसको हम मेयोनीज एक और ब्रेड स्लाइस पे लगाकर इसको हम फाइनली क्लोज कर देंगे। अब हम इसको 4 पीसेस में कट कर लेंगे। अब हमने ये शार्सलिक स्टिक ले लिए बड़ी वाली और उसके अंदर हम ये चारों ट्रायंगल्स जो हैं ये लगा देंगे। ये देखिए अब हमने इसको इस तरह खड़ा कर लिया है और इसके ऊपर आपने एक अदद टमाटर, एक खीरा, फिर दोबारा से एक टमाटर और एक खीरा लगा देना है और इस तरह आपके ये सैंडविचेस जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। अब हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे।
ये इन सैंडविचेस की फाइनल लुक है। इसको हमने एक टिश्यू पेपर का बॉक्स लिया था और उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल से उसको कवर किया और उसमें हमने शार्चलेक स्टिक्स जो थी वो इंसर्ट कर दी थी और उसके बाद हमने अपनी ये सैंडविच जो कि बिल्डिंग के स्टाइल में उसको असेंबल कर लिया था। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और हमारा चैनल जायका लाजवाब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।